एंड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्चुअली बेटा हमने क्या शुरू किया है, दैट इज द मॉडल्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमने दो कंडीशंस ली हैं, एक जब रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, दूसरे जब रिसोर्सेज बहुत अनलिमिटेड हमारे पास प्रेजेंट। सिंपल सी बात है, जब रिसोर्सेज दैट मीन्स एबायोटिक फैक्टर्स है ना, दे आर क्वाइट अ लॉट प्रेजेंट, दैट इज इन गुड अमाउंट दे आर प्रेजेंट, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, विल इट बी मोर और लेस? व्हाई लेस? इफ देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर विल बी मोर बर्थ्स, लेस डेथ्स, बिकॉज द पॉपुलेशन इज बीन सपोर्टेड। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जब रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन को सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कल जो ग्राफ आया था दैट वाज अ जे शेप ग्राफ जो हमने कल बनाया पॉपुलेशन डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स, क्योंकि रिसोर्सेज हमने किए कल ज्यादा। ठीक है, उसी में ही हमारे पास एक और कंसेप्ट था, दैट वॉज ऑफ कल हमने जो इक्वेशन लिखी थी दैट वॉज ऑन द डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट इज राइटिंग दैट सेम एक्सपोनेंशियल वाला सेम जो इक्वेशन है एज अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस मैथमेटिक्स, अगर हम इसको लिखें, सो दैट विल बी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट रेस टू पावर ई आर टी। व्हाट इज दिस? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट पावर ई आर टी। व्हाट इज दिस एन टी? दैट इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट टाइम टी। सो यू एक्सपैंड दिस ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स दे राइट इट इन क्वेश्चन, अदरवाइज इफ नॉट मेंशन्ड ऑल्सो यू हैव टू एक्सपैंड इट। ओके, सो व्हाट इज दिस? एन टी इज पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। जैसे कल हमने जो इक्वेशन बनाई थी पॉपुलेशन साइज की एन टी प्लस वन है ना, पर यहाँ पे हमने इनिशियल एन नॉट लिया है तो एन टी को टी लिया है। कल हमने एन टी प्लस वन इसलिए लिया था क्योंकि हमने इनिशियल एन टी लिया था। ठीक है, ये फाइनल एन टी है। ओके, पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी, व्हाट इज एन नॉट? इट इज द पॉपुलेशन टाइम एट टाइम जीरो। जीरो मीन्स जीरो कांट बी अ टाइम, जीरो मीन्स व्हेन वी स्टार्टेड इट। ओके, जीरो कांट बी अ टाइम, लाइक जीरो नहीं होता, वन सेकेंड टू सेकेंड एटलीस्ट होता है, बट दिस इज फ्रॉम द इनिशियल when we started calculating the population size. What is r? r is b minus d, kal humne kiya tha hai na, that is the births minus deaths, or it is also called as intrinsic rate of natural increase. It is intrinsic rate of natural increase. What is t here? T means time. That is for what time period you are calculating the population size difference. And left is e. What is e? That is the natural base. है ना, वो जो mathematics में हम लोग करते हैं logarithmic base होता है, एक हमारे पास natural base होता है, तो that is e is a base to the power जिसमें हम लेते हैं, so that is a mathematical part. Right? So this is calculus equation. If you are asked to write the equation in the differentiation form, then write dn by dt is equal to वो जो कल हमने की थी rn. ठीक है, dn by dt means differentiation में देना। और अगर आपको ये बोला calculus में, सॉरी calculus form में बोला, तो आपने ये वाला equation देना है, provided अगर वो पूछते हैं। अगर नहीं पूछते हैं, equation में नहीं given है, then you write both. Okay? Then you have to correlate the both along with the graph as well. Okay, so this was all about the exponentials. When there is a smooth rise in the population, there is no decrease kind of the thing, there is a smooth rise in the population with respect to the time, and because there is a unlimited resources which are available. Now what if the resources are available at a certain extent, yani there is a limited resource which is available to the population, then we have to study it with the second growth curve, and that is logistic growth curve. Logistic. Now what do you understand by logistic? Logistic growth curve, that will be ranging for the population size
that which has the limited resources. Now, what will be the impact of getting the limited resources onto the population size? What will be the impact of the population size if the resources are limited? हाँ जी क्या होगा बताओ है? कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, सर्वाइवल लेस होना शुरू हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सीधा ही यहाँ पे इंक्रीज आएगा. सो व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इट इज लीडिंग टू द कंपटीशन. व्हेन द कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, देयर इज ऑलवेज अ चेंज दैट इज वन हैज टू विन एंड अनदर हैज टू लूज, है ना. Here is the competition for the resources. One will take the resource and survive. Another will not take the resource and will not survive. That's it, right? So यहाँ पे जब तक हमारे पास limited resources में जब हम बात करते हैं, this can be like explained with the help of the graph and the equation again. If we plot the same graph, that is with respect to the time and the population density n के साथ, population density का और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, दिस इज अ सिग्मोइड शेप्ड कर्व लाइक दिस. इट इज अ एस शेप कर्व. दिस हैज अ सिग्मोइड कर्व, एस शेप कर्व और एस शेप्ड कर्व. नाउ हाउ डू दिस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटेड रिसोर्सेस. इनिशियली when it was the time is leading, जब तक ये time बढ़ता जा रहा है population density normalized है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें changes नहीं आ रहे हैं, है ना. बहुत ज्यादा changes नहीं है, थोड़े धीरे धीरे changes हैं. time बढ़ता जा रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे changes आ रहे हैं initial phase, है ना. क्यों ऐसा? क्योंकि उस time पे competition चल रहा है. now the ones which are fetching out all the resources for themselves, जिन्होंने ले लिए, they will show the high rise in their population count or the density. ठीक है, count जो है वो बढ़ जाएगा इनका immediately. जैसे ही ये count बढ़ जाता है, this is S shape इस तरह, और वे बिल्कुल सीधी यहाँ से और फिर ऐसे ऐसे बनाओ इसको proper curves में, बिल्कुल two curves दे हैं आपने, sorry, one here and one here. Okay, that will explain you better. So when it was the time was moving on and the population density में बहुत ज़्यादा rise नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये थोड़े ही समय में पॉपुलेशन डेंसिटी देखो कितनी बढ़ गई. ये इतना गैप है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ गया. पहले ये इतना गैप था, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना. नाउ द गैप इज दिस मच अप्रोक्सीमेटली सेम. द टाइम ऑफ द सॉरी गैप ऑफ द टाइम इज दिस मच बट द पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज टू अ हाई एक्सटेंट, है ना. सो व्हाट इज दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन डेंसिटी इज नाउ promoting that growth of that particular population. ठीक है, that particular population का जो population density है, size है, वो बढ़ता जाएगा with respect to time. But after again reaching to the certain extent, this will be stabilized. ठीक है, this will get a constant value and that particular constant value जिसमें सिर्फ time बढ़ रहा है, population density नहीं बढ़ रही है. क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो गए. ठीक है, लिमिटेड थे, पहले कंज्यूम कर लिया, अब वो खत्म है. सिर्फ उन्हीं का सर्वाइवल हो पा रहा है जो यहाँ तक पहुंच गए हैं. सो जब ये हमारे पास वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसमें सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज के. दैट इज डिनोटेड विद के. के इज वॉट? कैरिंग कैपेसिटी. के इज carrying capacity. That is the stable point where there is no rise in the population size but only rise in time. That is a k is a constant value which is achieved afterwards. Now if we design an equation for this, it will be dn by dt that is equal to rn into k minus n by k. That is with respect to the time, with respect to time the change in the population size can be defined by the natural size of that population initially, and that population size subtracted from the carrying capacity divided by carrying capacity, a constant value, that will give you a
size, population size at particular time after its calculation. Like particular time is t plus 1. ठीक है, after the calculation starting from the time 0. So when you plot this graph also, you write the equation on the graph as well. ठीक है, जब भी आपने ये graph plot करना है, आपने हमेशा इसके graph के ऊपर भी equation लिखनी होगी. ठीक है, graph के साथ भी इसका equation जरूर mention करना. ठीक है, now कल जो आपने देखा, that was a J shape curve. J shape curve like this, right? अब आपको यहाँ पे question आ सकता है, this is B graph, this is A graph, give the equation for A and B, both the graphs. दे सकते हैं, यहाँ पे क्या था? It was dN by dt, that is equal to RN only. पर यहाँ पे क्या आया? एक RN के साथ carrying capacity का concept भी आ गया. एक constant value के साथ भी हमने इसको calculate कर दिया. ठीक है? So this is the logistic growth curve. After the exponential, this is the logistic growth curve. So this is how, because of the resources, how the behavior of the population changes. If that is unlimited resources, the graph presentation was J shape. If there are limited resources, the graph presentation is S shape. Also, there are differences in the calculation of their by their equations, right? Clear? So this was about the population growth models and the population growth curves, right? Coming to the next is a population interactions, different types of the interactions which we have to study. Anji, is it clear? Right? So this is population interactions, the next topic. Population interactions, that means how the populations are interacting with one another. Populations, not the individuals of a population, but different populations. How are the populations interacting with one another and what are the resultants of that particular interaction? Are they benefiting with one another or they are harmed by the presence of one another? So there is one of the interaction in which both the organisms gets benefited. What is the name of that interaction? Anyone can tell me? We have studied it since our junior classes. There is an interaction in which the two organisms interacting, both are benefited from one another. Anji? No answer? Anji, Shivam, one second. Yes. I'm symbiotic. Symbiosis is the relationship, symbiotic association. Yes. That is also called as mutualism. Very good. Very nice. So that is mutualism or symbiosis or symbiotic association. Very nice. Mutualism. Mutualism is one in which both the species are going to benefit one another. For example, lichens. You people have studied about the lichens. Lichens ke bare mein padha hai. Unme kya hota hai? There is an association of the algae and a fungi. Hai na? Fungi being non-chlorophyllous, algae being chlorophyllous. Wo chlorophyllous hai, food deti hai. Fungi non-chlorophyllous hai, water provide karta hai. Aur koi association pata hai, example? One example is that of lichens. Another example, माइकोराइजा. माइकोराइजा भी पढ़ा है आपने. माइकोराइजा में क्या होता है? देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरियल मेंबर्स विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. है ना? द बैक्टीरियाज दैट मेक्स अ एसोसिएशंस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स सो दैट देयर इज बैक्टीरियाज दैट व्हिच गेट द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हायर प्लांट्स एंड द हायर प्लांट्स दैट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एज वेल एज ऑल द शेल्टर वाटर फूड एवरीथिंग टू दोस बैक्टीरियल मेंबर्स. Okay, so that is again in which both the members are benefited, right? Then there is another feature in which one is benefited but the another is harmed. That is in the case of predation. Predation, jahan predator and prey ki baat hoti hai. Ek concept hai hamare paas predation ka.
इनमें हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं, एक होता है प्रीडेटर, दूसरा होता है प्रे। प्रे क्या होता है? जिसको खाया जा रहा है। डियर और टाइगर में से प्रे कौन है? डियर है। और प्रीडेटर कौन है? टाइगर है। फायदा किसको है? प्रीडेटर को। और नुकसान किसको है? प्रे को। ठीक है। सो दिस इज द प्रीडेशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर। ठीक है। प्रीडेटर्स आर ईटिंग द फूड फ्रॉम द प्रेज एंड हेंस दे आर बीइंग बेनिफिटेड एंड दीज आर बीइंग हार्म्ड ऑफ देयर लाइफ। सिमिलरली देयर इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन भी होता है जिसमें अगेन वन इज बेनिफिटेड अनदर इज हार्म्ड। कॉम्पिटिशन तो हर एक जगह पे आपको एक क्रॉप फील्ड में भी नजर आ जाएगा। एक सिंपल क्रॉप फील्ड में अगर ट्रीज लगे हैं और साथ में स्मॉल प्लांट्स लगे हैं, देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ द सन रेडिएशन, ऑफ द वॉटर, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑल कॉम्पिटिशन एंड स्पेशली दैट ऑफ अ स्पेस, है ना। तो एक बड़ा प्लांट है, ट्री है, एक छोटा प्लांट है, स्मॉल प्लांट है। अब दोनों में हमारे पास ट्री जो होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाइट ये सन रेडिएशन ले लेगा, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंडेड रूट्स ये अपना पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, दूर एरिया से भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो छोटा प्लांट है इन दोनों चीजों में लॉस हो जाएगा, यानी कि देयर इज अगेन अ बेनिफिट टू वन एंड लॉस टू अनदर। देयर इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, सॉरी वन मोर काइंड ऑफ इंटरक्शन, दैट इज पैरासिटिज्म। व्हाट इज दैट पैरासिटिज्म? पैरासिटिक इंटरक्शन। पैरासिटिक इंटरक्शन में दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं? एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। ऐसे ही होता है ना, एक होस्ट एक पैरासाइट। पैरासाइट कौन होता है? जो अपने होस्ट से बेनिफिट उठाता है और होस्ट को नुकसान पहुंचता है। सो होस्ट हियर इज नॉट बेनिफिटेड, इट इज हार्म्ड एंड द पैरासाइट इज बेनिफिटेड। क्लियर? राइट। कॉम्पिटिशन में रादर हम ये कह सकते हैं कि दोनों को ही नुकसान होगा एक तरह से, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है ना, तो कुछ एक रिसोर्सेज के लिए एक जीत जाएगा तो दूसरा कुछ एक रिसोर्सेज के लिए जीत जाएगा, कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो दिस कैन बी लाइक अ कंपटीशन जो है दैट कैन बी दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम सिंपल इसकी कंपटीशन की बात करें, दैट इज वन इज बेनिफिटेड अनदर, दैट इज ऑल्सो सुटेबल एंड बोथ आर हार्म, दैट इज मेजरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है। जहां झगड़ा होता है वहां पर नुकसान दोनों को ही पहुंचता है, ये वो चीज है। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे कंपटीशन होता है कहीं पे भी, तो एक कोई विनर होता है और बाकी सारे लूजर होते हैं, तो वो उस तरीके से ये वाला भी कंट्रोवर्सी ठीक है हमारा। इंटरेक्शन बोथ वेज इट इज करेक्ट। ओके। बोथ आर गोइंग टू बी हार्म। वील चेक दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी कॉम्पिटिशन में क्या दिया हुआ है। बोथ आर हार्म और वन इज हार्म एंड वन इज बेनिफिटेड, वील सी। एंड वट अबाउट द नेक्स्ट इंटरेक्शन? नेक्स्ट इज इन विच one organism is benefited but the other is neither harmed nor benefited. ठीक है। एक को तो फायदा हो रहा है दूसरे की प्रेजेंस में। इसकी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जब भी हमने पूरा टेक्स्ट में से ढूंढनी है। कमेंसलिज्म, इसमें क्या है? वन ऑर्गेनिज्म इज बींग हार्म्ड, सॉरी बेनिफिटेड, बट द अदर ऑर्गेनिज्म इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। जीरो, ना तो वो टिक है ना वो क्रॉस है, जीरो है। ना वो बेनिफिट में है ना वो नुकसान में है, कुछ नहीं है उसको। लेकिन दूसरे की प्रेजेंस में ये वाला ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर बिग फिशेस। बिग फिशेस हैं, वो अपनी स्पीड से अपने तरीके से चलती रहती हैं पानी में। स्मॉलर फिशेज, क्योंकि वो अपने प्रीडेटर से बचना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनकी साइड पे ऐसे छुप जाती हैं। ठीक है। दे हाइड देमसेल्व्स। सो दी स्मॉलर फिशेस दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बिग फिश फायदा ले रही है, पर इसको क्या, ना तो इसको फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, वो तो अपनी स्पीड से अपने तरीके से चलती जा रही है। ठीक है। सो दैट इज कमेंसलिज्म। क्लियर। लास्ट इज अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म इज ऑपोजिट। अमेंसलिज्म, इसका एग्जांपल भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ अमेंसलिज्म का। अमेंसलिज्म में एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक पॉपुलेशन है, या एक ऑर्गेनिज्म है एक पॉपुलेशन का, वो जब दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑफ दूसरा पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन में आता है, तो वहां पे अमेंसलिज्म में एक को नुकसान पहुंचता है पूरी तरह से,
दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है. एंड द एग्जाम्पल इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी. इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म वेयर इन द इंटरक्शन वन इज बीन हार्म्ड एंड देन अदर इज बेनिफिटेड, यस टेल मी. सॉरी, अदर इज नॉट नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. अ मेंसलिज्म. एनीवन फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज यू पीपल हैव डन, anyone having any concept where the two interacted animals or the organisms, they are showing one is totally harmed and another is neither benefited nor harmed? Yes. Try out. Think of it. दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट सुना हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. ना दूसरे को फायदा है ना नुकसान है, पर एक को हार्म हो रहा है दूसरे की प्रेजेंस में. आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? हाँ जी.